नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जैद अहमद और लोकतंत्र न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मुलाकात कोरोना योद्धाओं से, वो कोरोना योद्धाओं जो इस संक्रमण के दौर में आपके और हमारे लिए अपनी ड्यूटी पर डटे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोई अपने घरों से दूर है, कोई बच्चों से नहीं मिल पाया, लेकिन दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। रात में इमरजेंसी ड्यूटी हो, कहीं संक्रमण के दौर में लोगों के बीच जाना हो, सर्वे करना हो, कई तरह के अपने अनुभव अपनी बातों को लेकर आज हमारे साथ हैं सेनवा बीएमओ डॉक्टर स्टाफ और मोहन वागरे हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अनुभव क्या रहे। आपको एक बता दूं कि इन लोगों की एक बार जांचें हो चुकी है, कोरोना को लेकर संक्रमण की भी जांचें हो चुकी है, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर वापस आगे मैदान में डटे। ऐसे ही योद्धाओं से आज मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी आपके लिए सलाह क्या है और उनके अनुभव अभी तक क्या रहा है। बीएमओ साहब, कोरोना का जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, करीब करीब 1.5 महीने से मैं अपने आप को क्वारंटाइन करके काम कर रहे हैं। मतलब घर में सेपरेट रहना, सेपरेट खाना, सेपरेट हर कार्य करना, और साथ ही अस्पताल की गतिविधि और जो भी स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग है उसको हम प्राथमिकता के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय। सर, ड्यूटी कितने घंटे हो रही है? ड्यूटी हमारी कम से कम 17-18 घंटे हो रही है ड्यूटी। सर, कैप्टन के तौर पर पूरी टीम को मोरल बढ़ाना बार बार किस तरह प्रेरित करते हैं? हमारी स्वास्थ्य टीम के हर सदस्य ने अच्छा योगदान दिया और आगे भी हम सचेत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द सेंधवा के जनमानस को अच्छी सुविधाएँ दें और मॉनिटरिंग व सघन स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको प्राथमिक उपचार करें। अपने स्टाफ को किस तरह प्रेरित करते हैं सर? अपने स्टाफ को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने आप को पंक्चुअल व सिंसियर करते हैं और टाइमली अपने आप को उस जगह पर रखते हैं, और हमें उससे ये होता है कि हमारा कर्मचारी और अधिकारी सभी मतलब हमारे सोच के साथ ही वो सोच मिला के चलते हैं। एक बार ऐसा दौर आया था कि एक स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद उस दौर से अपने आप को बाहर निकालना, स्टाफ को प्रेरित करना, उस समय जो वो कठिन दौर था, जो कि स्वास्थ्य एक कर्मचारी को जो पॉजिटिव सैंपलिंग आई थी, उसके बाद हम 14 दिन का जो क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन सभी क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन रह के सभी ने घर से अच्छा कार्य किया और स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता देते रहे। होम क्वारंटाइन होकर भी काम किया, लेकिन अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कालिन। सर, इस संक्रमण के दौर में ऐसे समय कितनी ड्यूटी करना पड़ रही है, क्या क्या तकलीफ आ रही है? अभी हमारी ड्यूटी का है रैपिड रिस्पांस टीम में रखी गई है, जिसमें कि हमें सैंपलिंग वगैरह लेना पड़ता है या स्क्रीनिंग वगैरह जो भी है वो उसमें करना पड़ता है। ऑन कॉल अगर कभी कुछ केसेस आ जाते हैं तो उनको भी हैंडल करने के लिए हमें रखा गया है यहाँ पर। सर, परिवार को लेकर तो कैसे सजग हैं? जब भी हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है तब हम घर पे जाते, तो हमें हमारा जो खुद का एक अलग कमरा जो बाहर की तरफ बाहर ही है, वहीं पे हमारा रहना रहे, खाना सब कुछ वहीं से होता है। सर, अपने लिए सैंपलिंग के लिए ड्यूटी लगी, सैंपलिंग के तौर पर किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, विशेष तौर पर टीम का नेतृत्व करते हैं आप? उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई पेशेंट का हम सैंपलिंग लेते हैं तो उसमें अगर वो खांसने वासने से, पहले बात तो कि हम पूरी पीपी किट जो रहती है, पूरी पर्सनल प्रोटेक्शन किट उसको पहन कर जाते हैं, पूरे उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे प्रोटेक्ट रहते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन हमको ना हो। आसपास टीम रहती है आपकी, वो किस तरह प्रेरित करते हैं आप? उनको भी हम यही बताते हैं कि जितने भी हो सके, जितना भी प्रोटेक्शन हो सके उतना अपने आप को करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ तो सैनिटाइजर वगैरह हो गया, उसको यूज़ हर समय करते रहें, अपने हाथों को हर बार धोते रहें, और ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, शू कवर। सर, सैंपल लेने के बाद में इस तरह का फिर क्या करते हैं? सैंपल लेने के बाद फिर जो कीट वगैरह रहती है उसको पूरी तरह से सावधानीपूर्वक उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उसको जो कीट रहती है उसको वो डिस्पोज करके जला दिया जाता है। सैंपल लेते हैं, सैंपल वक्त लेते वक्त कई तरह की सावधानी बरतना पड़ती है। परिवार से दूर हैं लेकिन ड्यूटी पर डटे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि आप और हम सुरक्षित रहें। सैंपल लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया कि पूरी तरह पीपीए किट धारण करते हैं, उसके बाद पीपीए किट को रिमूव करना पड़ता है, लेकिन पूरी सावधानी से इस काम को करते हैं, लेकिन फिर भी ड्यूटी पर डटे हैं। संक्रमण का डर है लेकिन फर्ज सबसे आगे। ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर नरगेश। मैं स्टेट यहाँ पे और रैपिड रिस्पॉन्स टीम और सैंपलिंग दोनों में काम कर रहा हूँ। सर, अभी पिछले 2-2.5 माह से कितने समय ड्यूटी करना पड़ी? क्या तकरीबन 2 महीने हो गए मैं होटल में रुका हूँ यहाँ पे, जहाँ पे सभी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ है, हम लोग डॉक्टर्स भी और डॉक्टर्स भी वहाँ पर रुके हुए हैं, तो फैमिली से दूर है, खाना वाना तो होटल से ही जो मिल जाता है उसी से चल रहा है, और बीवी बच्चों से तो
वीडियो कॉलिंग या इस तरह से ही बात हो पा रही फैमिली से? कितने महीने से वीडियो कॉल? दो महीने हो गए लगभग। परिवार में क्या बीवी बच्चे कितने? वाइफ और बच्चे हैं छोटे। कितने बड़े बच्चे हैं? 1.5 साल की बच्ची है मेरी। 1.5 साल की बच्ची को वीडियो कॉल पे देखते हैं? सर भावना भी अपने आप में उमड़ती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह मानते हैं इस तरह फर्ज में अपने आप को? देखिए जो मेरा फ्रंट लाइन वाला काम है वो हमें करना है, बाकी फैमिली अपनी जगह है, हम अपने फर्ज से हट नहीं सकते। फैमिली क्या बोलती है? फैमिली सब पूरा सपोर्ट करती है इस बारे में। उसके लिए कोई वाइफ मेरी खुद भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। क्या संदेश सर लोगों के लिए? ये है कि आप पूरी तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अब सब लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सीधी बात है, अपने मास्क हाथ सैनिटाइज हाथ को अच्छे सैनिटाइज करिए, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ऐसे कोई विशेष बहुत बड़ी बात या डरने की जरूरत? तकरीबन 12-15 घंटे हो गई हमारी ड्यूटी। पहले घंटे पहले तो 8-10 घंटे में हो जाता था, 12-15 घंटे रोज की बात होगी। ड्यूटी का टाइम बड़ा है, 12-15 घंटे ड्यूटी करना पड़ी, पहले 8 घंटे थी, बी बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, होटल में रहना पड़ रहा है, लेकिन परिवार का पूरा सपोर्ट है। ऐसे ही हमारे सेंधवा के डॉक्टर, सेंधवा के शहर के डॉक्टर तनवीर हमारे साथ हैं, जो इसी माटी में पले बड़े हैं और आज सेंधवा सिविल अस्पताल में सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर तनवीर जी, लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति? एक्चुअल में मेरी ड्यूटी जो है 24 आवर इमरजेंसी में लगी हुई है, जहाँ पे मुझे ओपीडी पेशेंट्स को देखना पड़ता है, साथ ही पोस्टमार्टम्स वगैरह जो आते हैं वो देखने पड़ते हैं, और जो भी प्रकार की इमरजेंसी जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह आते हैं उनको देखना पड़ रहा है। यहाँ से ड्यूटी के पश्चात सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन के 9 बजे तक ड्यूटी रहती है, उसके बाद घर जाने के बाद अपने आप को आइसोलेट रखना पड़ता है और घर वालों से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। आइसोलेशन में ही खाना वगैरह मिलता है, अपने ड्रेसेस जो हम यहाँ पहनकर काम करते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसकी प्रॉपर वॉशिंग होती है, उसके बाद ही हम उसको वापस रीयूज में ला सकते हैं। प्रॉपर वॉशिंग करना पड़ती है, इमरजेंसी ड्यूटी, इमरजेंसी कई तरह खतरे के प्रवासी मजदूर करेंगे बाहर से जी। एक्चुअल में हम पता नहीं होता है कि जो मजदूर हम देख रहे हैं या जो पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं वो कोई कोविड संक्रमण से है, संक्रमित तो नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कोई मजदूर या कोई ऐसा कोई मरीज आता है उसको मना किए बिना हम उसको देखते हैं और अपनी सावधानी के साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन किट के साथ हम उसको देखते हैं। एक बार हमने देखा पहाड़ी क्षेत्रों पर गए, वहाँ पीएम करना पड़ा जी। एक बार मुझे बिजासन चौकी के पीछे एक मजदूर की डेथ हो गई थी, वहाँ पे जाके पीएम करना पड़ा, प्रॉपर प्रोटेक्शन किट के साथ हमने उसका पीएम किया था, प्रॉपर उसका जो है अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम किया था। क्या लोगों के लिए संदेश देंगे? स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। घर से दूर रहना पड़ रहा है आपको जी, घर में रहकर घर से दूर जी। क्या बोलते हैं परिजन, कैसा लगता है आपका अनुभव? देखिए परिजन तो पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके, घर में जो भी मेंबर्स है वो इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करते हैं। ड्यूटी फर्स्ट है, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, ये ड्यूटी ही अभी प्रायोरिटी है। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी प्रायोरिटी है, ये थे सेंधवा के शहर के डॉक्टर तनवीर। अब हमारे सेंधवा के एक शहर के नौजवान मोहन वागरे से बात करते हैं, जो इस वक्त इस मिशन में डॉक्टरों के साथ डटे हैं। हर जगह आपको सैंपलिंग हो या कोई ड्यूटी हो उस वक्त मोहन आपको दिखेंगे, शहर के लिए एक दूध की भूमिका निभा रहे हैं मोहन। इस संकट की घड़ी में जहाँ एक बार पॉजिटिव केस आया था सामने, उसके बाद भी मोहन लगातार डटे रहे, अपने को होम आइसोलेट करा और फिर वापस ड्यूटी पर लौट गए जी। बीच में एक दौर आया था जब पॉजिटिव पाया गया था, आप भी होम आइसोलेट रहे, उस संकट के दौर में किस तरह बाहर आया फिर ड्यूटी पर आ गया? चूँकि हमारे बीच के ही साथी पॉजिटिव आए थे तो उस समय हम सभी लोग चिंतित हो गए थे और सभी लोग हम होम क्वारंटाइन हुए थे। तभी से लोग हम सभी लोग घर परिवार से दूर हैं, घर जाते हुए भी घर में सब बच्चों को सामने देखते ही उनसे दूर रहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिलहाल घड़ी ऐसी है कि हमें उन चीज़ों का, सभी चीज़ों का जो भी परहेज है करना है और वो हम कर रहे हैं। बीपीएम होने के नाते लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद लाइफ में कैसे चेंज आया? बीपीएम होने के नाते लॉकडाउन के पूर्व जैसे हम घर परिवार के साथ रह रहे थे, सबसे मिलजुल रहे थे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के बाद हम घर परिवार जो भी हमारे दोस्त या रिश्तेदार है सभी से हम दूर हैं। यहाँ भी हम आते हैं तो जो भी हमारे लॉकडाउन के अनुसार जो भी नियम कायदे हैं, जो परहेज हैं उनका पालन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम जैसे करीब 12-12 घंटे ड्यूटी पर साथ में रहते हैं तो जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं। सेवा लोकल को होने के नाते क्षेत्र की जानकारी आपको, आप टीम के साथ होते हैं मोहन? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मेरा नेटिव प्लेस है, मैं लोकलाइट हूँ यहाँ का, तो सभी की अपेक्षाएं मुझसे बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब सेंधवा में अधिक कहीं भी कुछ होता है तो वो सब मुझे ही जानते हैं और 24 घंटे बेझिझक मुझे फ़ोन लगाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन और जैसे कुछ भी अगर काम होता है तो पहला फ़ोन मेरे पास ही आता है कि यार यहाँ पर ये क्षेत्र है, या जैसे बीएमओ साहब पूछते हैं या कोई भी पूछता है कि यार ये क्षेत्र कहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिक्कत है,
तो फिर हम लोग सभी साथ में जाकर वहाँ पर जो भी समस्या होती है, जो भी होता है, उसे साथ में देखते हैं। चंद्रशेखर के लिए क्या संदेश देंगे? यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही विकट समय चल रहा है, आप सभी लोग अपने घर रहे, जो भी नियम है उनका पालन करें और सुरक्षित रहें। जो भी नियम है उनका पालन करें और सुरक्षित रहें। डॉक्टर से मिले हम, बीपीएम से मिले, ये थे कोरोना योद्धा, ये रियल हीरो हैं जो आज के संकट के दौर में आपके और हमारे लिए डटे हैं, मैदान में डटे हैं, अपना ड्यूटी अपना फर्ज निभा रहे हैं। और आपसे गुजारिश कर